यूपी आरएमएस की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के दौरान यूपी आरएमएस के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की ओर से विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर अपनी मांगों को लेकर आक्रोश प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी आरएमएस के सहायक महामंत्री एवं शाखा सचिव अनिश वाजपेयी, विशाखा अध्यक्ष ओम प्रकाश रावत शुक्रवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान सभी कार्मिकों ने मंडल अध्यक्ष जुबैर अहमद के नेतृत्व में बांद्रा टर्मिनल रेलगाड़ी के सामने विरोध प्रदर्शित करते हुए अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान रेल कार्मिकों ने नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन लागू करवाने, रात्रिकालीन पेट्रोलिंग में 2 कर्मचारियों को लगाना सुनिश्चित करवाने, ऐसी कोचों के एस्कॉर्टिंग कर्मचारियों को गंतव्य स्टेशन पर विश्राम की सुविधा देने, एलडीसीई सभी कोटियों के लिए ओपन करवाने तथा निगमीकरण एवं मुद्रीकरण बंद करवाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान गोपाल भड़ाना, जयंत मीणा, सुरेश दोषवाड़ा, आशीष चौधरी, राकेश कुमार गीला, रामकिशोर मीणा, अफजल खान, राम प्रसाद लेख सिंह, हरिशंकर, पूनम सिंह, भगवान सिंह, शरीफ, ज्ञानचंद, मुकेश मीणा तथा राजेंद्र मौर्य सहित अन्य कार्मिक शामिल थे। प्रदर्शन ब्यावर स्टेशन पर किया जा रहा है, जो ये हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, जो सरकार है इसके विरोध में, आज प्रशासन द्वारा जो कर्मचारियों के विरोध में जो ये मांगे हमने रखी है, जिसमें ये पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से लागू किया जाए और जो आज पेट्रोल मैन है, जो 18-18 किलोमीटर पेट्रोल मैन चल रहा है, उसको दूरी कम की जाए और सभी जगह 8 घंटे का रोस्टर लागू किया जाए और जो निजीकरण आज की इसमें रेलवे परिवेश में निजीकरण हो रहा है, उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। इसी उपलक्ष्य में आज हमारी मांगों का आज हमने ब्यावर स्टेशन पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया।